दोस्तों सब्सक्राइब बटन पर जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाइए ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। इंस्टाग्राम में भी फॉलो करना मत भूलना दोस्तों। हाय गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। और हमारे पास है ये ह्यूंडई एसेंट, नहीं तो एक्सेंट कुछ भी बुला सकते हैं आप इसे, लेकिन आज मैं इसका रिव्यू करने वाला हूँ। इसका हेडलाइट का भी यहाँ पे क्रोम बहुत ही अच्छा दिखता है, ह्यूंडई का लोगो, बम्पर तो फॉग लाइट्स नहीं मिलेंगे, ये दो नॉजल्स, दो वाइपर्स। इसका साइड व्यू ये है 13 इंच के स्टील व्हील्स, ह्यूंडई के ओरिजिनल व्हील कवर्स हैं। टर्न इंडिकेटर, मिरर, इसका रेयर व्यू एसेंट जीएलई की पैकिंग, ह्यूंडई का लोगो, ये बूट ओपन करने के लिए तो नंबर प्लेट की लाइट है, इधर ह्यूंडई की पैकिंग, ये इसका इंटीरियर है, ये 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये आरपीएम, ये स्पीडोमीटर, ये फ्यूल मीटर और ये टेम्परेचर मीटर। ये इसके शानदार स्टीयरिंग के ग्रिप्स, ये एसी वेंट, यहाँ पे दो डमी बटन्स, इधर भी दो एसी वेंट्स, यहाँ पे 4 डमी बटन्स, यहाँ पे क्लॉक दिया है और एसी वेंट, ये डिसेंट साइज ग्लो बॉक्स, ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, ये मैनुअल हैंड ब्रेक, ये एसी के कंट्रोल्स हैं, ये टेम्परेचर, ये डिफरेंट मोड्स, ये हैंड स्पीड, एयर कंडीशनिंग, रिसर्कुलेशन, यहाँ पे भी एक स्टोरेज है, ये रियर व्यू मिरर, यहाँ पे एक सनब्लाइंड, इधर भी एक सनब्लाइंड है, ये रीडिंग लाइट अच्छे से काम करता है। ये चारों मैनुअल विंडोज हैं, इसमें पावर विंडोज का ऑप्शन भी मिलता है, जीएलएस में पावर विंडोज मिलेंगे, मैनुअल मिरर्स है और एक्सक्लूसिव में अलॉय व्हील्स भी आते थे, और डीएलएस में इसमें 2 डीजल इंजन है, एक सीआरडीआई, दूसरा डीएलएस, डीएलएस में पर्जो TUD5 डीजल इंजन आता था। ये है 1495 cc इनलाइन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, 3 वाल्व पर सिलेंडर है, इसका पावर है 94 bhp एट द रेट 5550 rpm से, और इसका टॉर्क है 12.5 Nm टॉर्क एट द रेट 3500 rpm से, इसका माइलेज है सिटी में 9 किलोमीटर और इसका हाईवे में माइलेज है 13.2 किलोमीटर। ऑयल डालने के लिए ये पावर स्टीयरिंग फ्लूइड, ये बैटरी, इसका
ये रेडिएटर में पानी डालने के लिए ऐसे नहीं खोलना चाहिए सब क्रम में। तो ये ऑयल दिखाने के लिए ये एयर फिल्टर अबे दो स्पीकर्स मिलेंगे Hyundai वरना को भी इंटरनेशनल मार्केट्स में Hyundai एसेंट बोलते थे। उसमें DLS वेरिएंट में पोजो TD5 डीजल इंजन आता था और दूसरा डीजल इंजन था और CRDI इंजन था इसमें। एक्सक्यूज में अलॉय व्हील्स आते थे। सीट के पीछे स्टोरेज है, पीछे रियल डिफॉगर है। ये एस्ट्रे यहाँ पे मिलेगी 380 लीटर्स की बूट स्पेस। ये स्पेयर व्हील यहाँ से भरेंगे पेट्रोल। 45 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है इसमें। इसका कूपे वेरिएंट भी आता था लेकिन वो मॉडल्स इंडिया में अवेलेबल नहीं थे। एक्सेंट वीवा इसका सेकंड मॉडल है। एक्सेंट वीवा में इसका जो डिक्की है ना वो ग्लास के साथ ओपन होता था और विवा में अलग से टेलाइट्स भी मिलते थे इसमें। इन वो मॉडल मुझे उतनी भी अच्छी नहीं लगी। सो गाइस आई होप दैट वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को इस तरह के वीडियोस और देखने के लिए। बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाइए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।